हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिक्स विल मेक इटसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज मैं बात करूंगा टेक्ला के बारे में, बहुत डिटेल में जाके टेक्ला के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हर जगह पे आप ओपनिंग देखते होगे टेक्ला टेक्ला टेक्ला, आप सोचते हो कि यार ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, मेरे को कॉलेज में नहीं सिखाया गया और ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है, इतने इसके ऊपर जॉब्स है। फिर आप उसके नीचे देखते हो तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी कुछ जगह मांगते हैं, कुछ जगह मांगते हैं कि आपको इस चीज का नॉलेज है क्या। वो चीज जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो उसके बारे में नॉलेज आपकी क्या कैसे हो सकता है, क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं था आपके सिलेबस में। तो पहले तो टेक्ला को समझ लो कि कितने पार्ट में टेक्ला डिवाइड है। टेक्ला दो पार्ट में मिनी जो मिलने उसका जो पार्ट है, जो मार्केट के अंदर डिमांड है जिसकी, वो दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? एक डिजाइनर और एक है डिटेलर। डिटेलर का बहुत ज्यादा स्कोप है कंपेयर टू डिजाइनर। आप बोलोगे सर ऐसा क्या होता है डिटेलर में और ऐसा क्या डिटेलर में और ऐसा क्या डिजाइनर में? तो देखो जो डिजाइनर है ठीक है, वो जस्ट लाइक ईटीएफ और सेफ और जो आपके आरसीबीसी या फिर जो आपका स्टेट प्रो है, इन सब की तरह एनालिसिस करके आपको डिजाइन दे देता है। और जो डिटेलिंग्स है ये क्या कर देता है, जो भी डाटा यहाँ से आया या फिर ईटीएफ सेफ से जो डाटा लेके आए, सीएसआई डिटेलिंग उसका डीप डिटेलिंग करके दे देता है। डीप मतलब नट का साइज भी बता देगा कि 16 mm का है, 12 mm का, कितने एमएम का डाया का चाहिए, मतलब फुल डिटेलिंग्स के लिए। अगर कोई सॉफ्टवेयर मैं बोलूं अब तक में सिविल इंडस्ट्री में कोई सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है डिटेलिंग के लिए, वो भी 3D डिटेलिंग्स के लिए, तो वो है टेक्ला डिटेलर ठीक है। अब टेक्ला डिजाइनर की बात कर लेते हैं। टेक्ला डिजाइनर अभी इंडिया में कुछ ही कंपनियां यूज कर रही है क्योंकि न्यू इंडस्ट्री है, बट ये पक्का है कि आगे बहुत सी कंपनियां यूज करेंगी टेक्ला डिजाइनर को। ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्ला डिजाइनर के डाटा को उठाया, डायरेक्ट इंपोर्ट कर दिया, टेक्ला डिटेलर में रिपोर्ट आ गई, तो ये एक बेटर कॉम्बिनेशन बन रहा है टेक्ला डिजाइनर का और टेक्ला डिटेलर का। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये दोनों ही सीखना बहुत ही यूजफुल रहेगा ठीक है। हाँ जरूर ये बोलूंगा कि आपको जॉब जो लगेगी ज्यादा से ज्यादा वो टेक्ला डिटेलर पे लगेगी, डिजाइनर पे भी लग सकती है बट कम ठीक है। और अभी इंडिया में इसके बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं है जो टेक्ला को यूज कर रही है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है क्या हो रहा है कि इंडिया में भी बहुत सी ऐसी कंपनियां जो कि फॉरेन के प्रोजेक्ट्स को ले रही है, वो सारे जो फॉरेन के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं डिटेलिंग्स के लिए केवल और केवल उनको रिकमेंड होता है कि भाई टेक्ला ही यूज करना है। टेक्ला ट्रिम्बल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो टेक्ला यूज करने से क्या हो रहा है प्रॉपर डिटेलिंग्स निकल के आती है और इस लेवल का 3D डिटेलिंग्स का कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। अब बोलोगे सर मार्केट में 3D डिटेलिंग के कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, तो 3D डिटेलिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है रेविट स्ट्रक्चर, आपने सुना होगा, एक है एडवांस स्टील और एक है टेक्ला डिटेलर। तो टेक्ला उसमें सबसे हाई लेवल पे है, उसके बाद रेविट है, उसके बाद एडवांस स्टील है। तो एडवांस स्टील स्टील के लिए तो सेकंड नंबर पे आ सकता है, बट आरसीसी के लिए तो ऑफ कोर्स आपको आरसीसी और स्टील और प्रीकास्ट, हाँ ये भी टॉपिक बहुत अच्छी है जरूरी है कि टेक्ला डिटेलर जो है वो किस किस चीज की डिटेलिंग करता है, तो वो आरसीसी की डिटेलिंग करता है, स्टील की डिटेलिंग करता है और प्रीकास्ट की डिटेलिंग करता है। इन तीनों की डिटेलिंग बेहतरीन कर देता है आपका टेक्ला। इसके अंदर बहुत ढेर सारे टेम्पलेट्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी कमांड होती है जो कि पूरा का पूरा लिस्ट बना देती है। अभी ये तो पूरा डिटेल है, मैंने कुछ वीडियोस आए टेक्ला पे बनाए हुए हैं, आप एक बार उनको वॉच कर लेना। तो टेक्ला इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं डिजाइनर की। तो डिजाइनर में वैसा ही जैसे आप ईटैब सेफ में काम करते हो, स्टेट प्रो में काम करते हो, वैसा ही डिजाइनर आपका काम करता है। आईएस कोड डालो, अपने ग्रिड्स बनाओ, ग्रिड बनाने के बाद उसके एनालिसिस करो, डिजाइन करो, इस तरीके से यूज में आता है। अब आप बोलोगे सर फिर हमें दोनों सीखना चाहिए, सर आपको दोनों सीखना चाहिए और दोनों सीख के आपके पास एक चाहो तो आप खुद का अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो मच बेटर है, बट इन फ्यूचर के लिए बता दूं कि आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि टेक्ला डिटेलर भी पहले कोई यूज नहीं करता था, अभी बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है, डिजाइनर भी पहले कोई यूज नहीं करता था, अभी हो रहे हैं, तो धीरे धीरे मार्केट बढ़ने वाली है तो पक्का है। तो इस तरीके से ये दोनों सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं कि टेक्ला जो सॉफ्टवेयर है इसके एडवांटेज क्या क्या है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि भाई जो भी प्रोजेक्ट वगैरह किए हमने उसमें एडवांटेज हम बताते हैं। एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो टेम्पलेट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं, मतलब आपको कई चीजें को बनाना नहीं पड़ता है, आप इसके अंदर रखे हुए डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हो। प्लस
आप अपना खुद का टेम्पलेट बना के अपने फाइल के अंदर सेव कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है टेक्ला डिटेलर में। ठीक है, डिजाइनर तो चलो ठीक है, उसमें आईएसओ डाला, ग्रिड डाला, वो तो आपको करना ही है, जैसे आप ईटैब में करते हो सेम उसी तरीके से थोड़ा बहुत ईटैब का और स्टैट का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो टेक्ला डिजाइनर को। तो ये है दोनों सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं कि इस पर प्रोफाइल कैसी होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर समझ आ गया, एक है डिटेलर एक है डिजाइनर, दोनों सीखोगे मच बेटर है, एक सीखोगे तो जॉब लग जाएगी आपकी। खासतौर से डिप्लोमा वालों को तो डिटेलर आना ही चाहिए, बीटेक वालों को डिटेलर आना ही चाहिए, बीटेक एमटेक वाले हैं तो वो डिजाइनर और डिटेलर दोनों सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें प्रोफाइल कौन कौन सी होगी। तो देखो, अगर आप टेक्ला यूज कर रहे हो, टेक्ला का यूज कब आता है पहले ये समझते हैं। टेक्ला का यूज कब आता है, सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने, मान लो आपने मुझे प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट दिया 100 feet by 200 feet का एक प्रोजेक्ट दे दिया आपने। अब वो प्रोजेक्ट जब मेरे पास आ गया तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं अपने ड्राफ्टमैन से बात करूंगा कि यार इसका प्लानिंग करो, 100 by 200 आपकी रिक्वायरमेंट लिख लूंगा और उसके अकॉर्डिंग 3-4 प्लान दिखाऊंगा। आपको जो प्लान थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, मुझे लग जाएगा अच्छा ये हमको चाहिए, वो प्लान चूज कर लूंगा मैं। अब उस प्लान को कौन किया, ड्राफ्टमैन ने उसको प्लानिंग की। ठीक है, हो सकता है सिविल इंजीनियर भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब प्लानिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि मॉडलिंग करनी है, तो मॉडलिंग आर्किटेक्ट भी कर सकता है, सिविल इंजीनियर भी कर सकता है। तो मॉडलिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, रैबिट यूज होता है, स्केचअप यूज होता है, 3ds Max, किसी से भी करो, किसी से भी, बट बेहतरीन रिजल्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर लिया, मॉडलिंग कर लिया। मॉडलिंग करने के बाद क्या होता है, मॉडलिंग करने के बाद अब आता है स्टेप ये वाला, कौन सा, डिजाइन करने का। तो डिजाइन करने के लिए आप चाहे स्टैड यूज करो, चाहे टैब यूज करो, चाहे टेक्ला डिजाइनर यूज करो। चलो, डिजाइन हो गया, इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद लास्ट स्टेप पे जाता है, लास्ट स्टेप होती है डिटेलिंग्स। तो डिटेलिंग्स में क्या होगा, जो भी आपने डिजाइन किया है उसका प्रॉपर बीबीएस, प्रॉपर मतलब एक छोटी छोटी चीज का बीबीएस, प्रॉपर डिटेलिंग्स, एक हाई लेवल की डिटेलिंग जिसको बोल सकते हैं, वो इसके अंदर आपको टेक्ला आपको एक्सेल शीट बना के दे देगा कि भाई इतना इतना लगेगा, आप मार्केट का प्राइस डाल दो, कैलकुलेट करके टोटल प्राइस बना के दे देगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, फाइनल प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है एक्सेल शीट में कि भाई कैसे कैसे बनने वाला है। समझ आया, ये 4 स्टेट, पहला था ड्राफ्टिंग, दूसरा था मॉडलिंग, तीसरा था डिजाइनिंग और चौथा था डिटेलिंग्स। तो ये 4 स्टेप्स में ही पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम होता है। उसके बाद आप किसी को भी, जो भी आप कंसल्टेंट थे, आपने दे दिया बिल्डर को, बिल्डर अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकता है। तो होप आपको ये चैन समझ में आया होगा, टेक्ला डिजाइनर और टेक्ला डिटेलर में दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ में आया होगा। याद रखिएगा, एक सीखने से अच्छा कि आप दोनों सीखिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, कहीं पे भी सीखिए बट दोनों सीखिए। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज और कि मैं भी टेक्ला की बैच स्टार्ट करूंगा, अभी थोड़ा सा टाइम इधर उधर चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे मिले हुए हैं तो हम लोग उनको हैंडल करने में लगे हैं, बट जैसे ही फ्री होता हूँ तो जुलाई से मैं बहुत जल्दी आपके लिए बैच का डेट बता दूंगा, टेक्ला डिजाइनर और टेक्ला डिटेलर दोनों की बैच बता दूंगा। ठीक है, आपको ₹50,000 देने की जरूरत नहीं है, जो आप मार्केट में देते हो उतनी फी नहीं लगती है। ठीक है, बहुत कम प्राइस में, जितना भी कम हो पाएगा उतने कम प्राइस में मैं आपको सिखा दूंगा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने जब कॉलेज के टाइम पे इंक्वायरी किया था अपना, तो मैं आपको बता दूं उस टाइम पे मेरे से 50,000 मांगा गया था। मैं कहा भाई सेमेस्टर की फीस मेरी 80,000 थी, तो मैं कहा सेमेस्टर नहीं, ईयर की फीस मेरी 80,000 थी, मैं कहा 50 कहाँ से लाऊंगा। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेक्ला डिजाइनर के डिटेलर के लिए 50,000 तो बेकार है। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कितना कंफर्टेबल करके आपके पास लेके आएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।